प्रभारी मंत्री की बैठक में दो विधायकों के बीच जुबानी जंग। हम आपको बता दें कि कोटा के प्रभारी मंत्री की बैठक के दौरान विधायक प्रहलाद गुंजल और चंद्रकांता मेघवाल के बीच जमकर जुबानी जंग हुई। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। विधायक प्रहलाद गुंजल ने विधायक चंद्रकांता मेघवाल को ओकोडी का बताया तो तेज में आकर चंद्रकांता मेघवाल ने प्रहलाद गुंजल को ओकोडी का बताया। दोनों के बीच हुई बेचबाजी से बैठक में मौजूद सभी लोग हक्के बक्के रह गए। पूरे घटनाक्रम के दौरान बैठक में कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी, विधायक संदीप शर्मा, हीरालाल नगर, विधायक ननवाणा और भवन सिंह राजावत मौजूद थे। इसके अलावा कलेक्टर, एसपी और कई विभाग के अधिकारी मौजूद थे। ना कुछ तो आरोप जड़ा है कि भी आरोप कोई किस पे जड़ दे उसे क्या फर्क पड़ता है। मैंने तो मुख्यमंत्री बजट अनाउंसमेंट में NH 76 पर दोहरा अंडरपास जो मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया है उसको 2 साल हो गए पूरा करने की बात कही। अब योजनाबद्ध तरीके से उस पर कोई जोर से चिल्लावे, बहस करे तो उसे कोई समाधान नहीं होता। उन्होंने आरोप जड़ा कि दो नहीं, मैंने किसी ने कहा, वो कुछ भी बोल सकती है, वो सार्वजनिक रूप से अखबारों में बयान देती है कि मेरे गाँव को लाभ पहुँचाने के लिए बनाया जा रहा है। और UIT का मुझे तरस आती है उनकी सोच पर, UIT का अंडरपास मोड़क ले जाओ, आप ही ने छापा है, आप ही लोगों ने लिखा है उसको अभी कुछ दिनों पहले। अरे मैंने तो सेंक्शन नहीं किया, पिछली राज के समय सेंक्शन था, किसी कारण से तकनीकी विवाद UIT और NHI के बीच में नहीं बन पाया। मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, मुख्यमंत्री जी ने उसको बजट अनाउंस किया बनना चाहिए। और मैंने UIT को कहा है, वहाँ आपने मुकुंदरा विहार कॉलोनी काट दी, मुकुंदरा विस्तार कर रहे हो, वहाँ हाड़ोती कॉलोनी है, वहाँ सैनिक कॉलोनी है, आपने रानपुर आवासीय योजना कर दी, वकीलों के लिए कॉलोनी कर दी, आप जेल वहाँ ले जा रहे हो, आप IIT वहाँ ले जा रहे थे। ये सारी आबादी, कोई भी स्कीम बनती है तो भविष्य के 50 साल की दूरदृष्टि के साथ बनाई जाती है। आबादी विस्तार के बाद NH 76 में अगर आप आज काम नहीं कर पाओगे, जब इसका ट्रैफिक परवान पर आ जाएगा, तब वहाँ सिंगल अंडरपास में रोज एक्सीडेंट होकर लोग मरेंगे। ये कोटा के दूरगामी विस्तार को देखकर बनाई हुई योजना है, पिछली सरकार ने बनाई है। अब पिछली सरकार का दृष्टिकोण और हमारे मुख्यमंत्री जी का दृष्टिकोण, दो MLAs के दृष्टिकोण से तो मैं नहीं समझता कि खराब होगा। कोई केवल इसीलिए कि मेरे गांव को सड़क जारी दो तो भाई 1998 के पहले ही चली गई हो तो धर्मपुरा विधानसभा क्षेत्र में इंटरफेयर का आरोप भी जड़ा है। मेरा गांव है भाई, विधानसभा क्षेत्र में इंटरफेरेंस का क्या है? मैं वहाँ, अब उनको उनकी जनता से बहुत प्यार है तो हम तो उनकी जनता है भाई, मेरा गांव, मैं वहाँ रहता हूँ, बहुत बड़ी नेता है, हम तो उनकी जनता ही हुए ना भाई, तो हमारा जनता का ही ध्यान नहीं रखेंगे, वो जनता में डिफरेंसेस करती है। कौन सी जनता? मैं उसी गाँव का हूँ, धर्मपुरा का भाई, उस विधानसभा की मालिक है परमानेंट, उनके नाम इसका पट्टा ही बन गया, तो हमारा तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, उन्होंने वो हमारा ध्यान रख ही नहीं रही है। उनका एक आरोप ये भी है कि विधान रामगंज मंडी विधानसभा में विकास कर रही है, कह के आए कि वह जीरो विकास कर रही है। वो कुछ भी कह सकती है, वो कुछ भी कह सकती है। रामगंज मंडी में जितना संपर्क, जितना जुड़ाव, जितना लगाव लोगों का मेरे प्रति रहा है, अब उससे व्यथित होकर कुछ भी करती रहे, रेस्पेक्ट पाना तो पब्लिक के ऊपर है भाई। MLA बन जाना, रेस्पेक्ट पाना, दोनों में बहुत अंतर है साहब। लोगों का प्यार है, उससे परेशान होकर वो कुछ भी टिप्पणी करे तो उसका तो मेरे पास जवाब है नहीं, पर मुझे तकलीफ है। यूनानिमस दो विधायक मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के खिलाफ यूनानिमस बोले, नहीं होना चाहिए, मुझे थोड़ा सा प्रतिरोध करना पड़ा। दूसरे विधायक और कौन बोले? आपने ले तो ली बाइट, क्यों मुझसे नाम खुलवा रहे हो? बहुत स्वादपूर्ण वातावरण में बैठक हुई, लेकिन एक बात को लेकर गतिरोध खड़ा हुआ। विधायक चंद्रकांता मेघवाल का एतराज था कि मेरे रामगंज मंडी में अंडरपास नहीं बन रहा और यहाँ UIT अंडरपास धर्मपुरा के लिए बना रही है, जो बना हुआ है लेकिन उसको तोड़ा करने के लिए। तो मैंने भी उसमें ये कहा कि भाई पहले कॉलोनियों में सड़कें नहीं है, नालियाँ नहीं है, पहले सड़कें बनाओ, नालियाँ बनाओ, उसको प्राथमिकता दो, उसके बाद में ही अंडरपास बनना चाहिए। उस बात को लेकर गतिरोध हुआ था, लेकिन कई मामले, बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे इस बैठक में उठाए गए, जैसे पानी का मामला था, बिजली का मामला था, पानी का तंत्र फेल हो गया,
पूरा कोटा शहर पानी के लिए त्राई त्राई कर रहा, लेकिन हमारा जलदाय विभाग बिल्कुल विफल हो गया। जो वितरण व्यवस्था है वो पूरी तरह फेल हो गई, तो इसलिए हमने अधिकारी को कहा है भाई कोटा में तो पानी है, धरती के नीचे भी पानी है और धरती के ऊपर भी पानी है, और ये वितरण व्यवस्था ठीक करो ताकि लोगों तक चंबल का पानी पहुंचे। धन्यवाद। सुसाइड कर रहे हैं, सुसाइड हो चुके हैं, लक्षण लक्षण की वजह से सुसाइड हो रहे हैं। अच्छे पत्रकार इस तरह की बातें क्या, सुसाइड नहीं हो रहे हैं? आप कहते हैं सुसाइड नहीं हो रहा, सुसाइड हुआ है सर, आप इनकार करते हैं सुसाइड नहीं हो रहा है। मैं कि आजादी के 70 वर्षों जो कांग्रेस इस प्रकार की लहसुन की या किसान की आत्महत्या की जो बात कर रही है, मैं उन्हें नसीहत देना चाहता हूं कि वो अपने आत्मावलोकन कर ले। 62 वर्षों में 2 रुपए किलो भी जब लहसुन उनके राज्य में बिका था, क्या कांग्रेस ने उसको खरीदने का काम किया था? लेकिन हमारी सरकार ने अभी वर्तमान में इतनी अच्छी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लागत का जो यूनिट था वो 32 रुपए 57 पैसे पे लहसुन का प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है, हम लोग कर रहे हैं। और चूंकि उसकी अवधि समाप्त हुई है, अभी मैंने चीफ सेक्रेटरी से बात की है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर से बात की है, SES कोऑपरेटिव से मैंने बात की है, हम इसको आगे बढ़ाने, क्योंकि 30 दिन तक का MIS में खरीदने के प्रावधान होते हैं, उसकी अवधि आज समाप्त हो रही है। लेकिन अभी हम लोगों ने बात की है, भारत सरकार को भी 14 तारीख को होने वाली बैठक होगी, लेकिन इस अवधि को हम लोग बढ़ाएंगे, बढ़ाकर किसानों को निश्चित रूप से जो प्रोक्योरमेंट का हमारा लक्ष्य है उसको हम लोग खरीदेंगे। क्या क्या रहा, क्या क्या रहा मीटिंग में विशेष? आज जिला स्तरीय समीक्षा बैठक के वास्तव में काफ़ी सकारात्मक रही है, और पिछली बैठकों में जो निर्णय हुए थे उनकी क्रियान्वित पर सभी माननीय विधायकों ने भी संतोष व्यक्त किया है। खासतौर से जो मुख्य विषय जो सामने आए हैं उनमें नॉर्थन बाईपास वाला जो विषय था उसके बारे में आज ये फैसला किया गया कि 6 करोड़ रुपए की लागत के लगभग जिन किसानों को मुआवजा देना था उसके बारे में राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करके, क्योंकि अभी ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसके बावजूद भी चूँकि सबको समान न्याय मिले, सभी किसानों को समान रूप से मुआवजा मिले, इस बात को गंभीरता से ध्यान में रखते हुए एक फैसला हमने किया कि राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त कर उनको भी सब किसानों के साथ समान व्यवहार किया। दूसरा एक सबसे बड़ा विषय आया था कि सभी जिलों अपने सभी तहसीलों में हर पंचायत समिति या हर विधानसभा क्षेत्र में जो गौरव पथ बने या किसान पथ बने या पंचायत राज की जो भी सड़कें बनी वहाँ पर नालियों का निर्माण नहीं होने के कारण से अभी गंदगी वगैरह रहती है और यातायात में भी रहती है। तो आज ये फैसला हुआ है कि इन सारी सड़कों का जहाँ बनी है उनका अध्ययन करके जिला कलेक्टर नरेगा योजना के अंतर्गत चाहे डबटेल करना पड़े चाहे जैसे भी करना नाली निर्माण की सुनिश्चितता करें, ऐसा आज मीटिंग में ये भी तय किया गया। इसी प्रकार और भी अन्य जो विषय थे अमृत योजना के अंतर्गत, जैसा कि कहा गया है कि पानी सही समय पर सबको मिले क्योंकि शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना सरकार का हमारा दायित्व होता, इसके बारे में कमेटी बनाने का फैसला हुआ है, इसमें संबंधित माननीय विधायक भी होंगे, कलेक्टर भी होगा और इनसे जुड़े हुए जो भी PhD के अधिकारी हैं वो एक साथ बैठ के 20 साल की 50 साल की आगामी योजनाओं को बनाकर इस बात का सुनिश्चितता कर लें कि आम नागरिकों को शुद्ध पेयजल मिले, इसके बारे में भी आज इस बैठक में। देखिए ऐसा कुछ नहीं है आज की जो बैठक हुई है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी माननीय विधायकों को जिन्होंने पुरजोर अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के हितों के बारे में चाहे सड़क का हो चाहे बिजली का हो चाहे अंडरपास का हो चाहे पाइपलाइन का हो अपने अपने क्षेत्रों में जिस प्रकार से काम कराने की होड़ मची कंपटीशन हुआ, ये सकारात्मक कंपटीशन हुआ, और मैं तो ये मानता हूँ कि इस प्रकार जनप्रतिनिधि इतना जागरूक होते हैं तो उस विधानसभा क्षेत्र का निश्चित रूप से विकास होता है। चंद्रकांता जी ने भी गुंजल जी ने कहा है कि 2 करोड़ महिलाएं राजनीति में आती हैं, गर्मा गर्मी हुई टिक्का टिक्की का भी मामला। देखिए ये परिवार की बात है, हम लोगों ने परिवार की भेंट की बात की और इस प्रकार का कोई भी किसी बदनीयति से या बदमनसा से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए बल्कि अपने अपने विषय को प्रखरता से रखने का काम सभी माननीय विधायकों ने किया।